अस्सलाम वालेकुम गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनास किचन। आज मैं आप सबके साथ चिकन शावरमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये बहुत ही यूनिक टाइप का रोल है। मेरा रेसिपी जो है वो ओरिजिनल अरेबियन चिकन शावरमा से इंस्पायर्ड है। इस शावरमा में मैंने फ्रेंच फ्राइज ऐड किया है जो सऊदी में स्पेशली शावरमा में ऐड किया जाता है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डिश है और रेसिपी है जो हम तंदूर और बारबेक्यू के बिना बनाएंगे और ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल का बनेगा। बहुत ही आसानी से घर पे बन जाता है, एक अच्छा स्नैक है चिकन लवर्स के लिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना रेसिपी, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लिक करें बेल बटन पे ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, और बाउल में लेंगे 1.5 कप मैदा, 1 tablespoon नमक, और फिर ऐड करेंगे 2 tablespoon बेकिंग पाउडर। इससे हमारा जो पीटा ब्रेड है वो बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट बनेगा नान की तरह। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि बेकिंग पाउडर और नमक मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हम ऐड करेंगे 1 tablespoon कुकिंग ऑयल, मैंने रिफाइन ऑयल यूज़ किया है। अच्छे से मिला लेंगे और इसे गूंद लेंगे पानी से या तो दूध से, और मैं अच्छे से इसे गूंद लूंगी एक सॉफ्ट डो में। कड़ा नहीं करना है, सॉफ्ट डो रखना है। हमारा डो अब तैयार है, गूंद के तैयार है, बिल्कुल सॉफ्ट है। ऐसे ही हमें रखना है। अब हम इसे एक प्लेट से ढककर रेस्ट करने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और ये इंस्टेंटली बन जाता है। अब हम बोनलेस चिकन लेंगे शावरमा के स्टफिंग के लिए। हमें ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लेना है। अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल में और ऐड करेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। फिर अब हम ऐड करेंगे क्यूमिन पाउडर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 teaspoon, ऐड करेंगे मसाला मिक्स। अब हम ऐड करेंगे तंदूरी मसाला एवरेस्ट का और शान का चिकन टिक्का मसाला। ऐड करेंगे चाट मसाला थोड़ा सा, और फिर हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे एक अच्छा कलर आएगा चिकन में। अब हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 tablespoon, फिर हम ऐड करेंगे दही 4 to 5 tablespoon, फिर हम ऐड करेंगे आमचूर पाउडर 1/2 tablespoon, फिर हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम ऐड करेंगे रेड फूड कलर थोड़ा सा, इससे हमारे चिकन को परफेक्ट कलर मिलेगा। ये हमारा मैरिनेशन तैयार है, इसे हम अभी साइड में रख देंगे। अब हम एक पॉट लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 to 3 tablespoon कुकिंग ऑयल यानी कि रिफाइंड ऑयल। फिर हम ऐड करेंगे चॉप गार्लिक 2 tablespoon, बस इसे हमें हल्का सा कलर आने तक पकाना है। अब हम ऐड करेंगे फाइनली चॉप प्याज, मैंने चॉपर में चॉप किया था, और ऐड करेंगे चॉप्ड कैबेज, फिर ऐड करेंगे चॉप टोमेटो और ऐड करेंगे चॉप कैप्सिकम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे वेजीज को और हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक ये सॉफ्ट हो जाए और पक जाए। हमें इसे कुक करना है जब तक ये पानी ना छोड़े और ये सूख जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए वेजीज।
अब ये अच्छा से कुक हो चुका है और वेजीज सॉफ्ट भी हो गया है और पानी भी सूख गया है, तो इसका कच्चापन अब नहीं रहेगा। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे प्लेट में। ये है हमारा मैरिनेटेड चिकन। ये हम सेम पॉट में पकाएंगे जिसमें हमने वेजीज कुक किया था। हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और डाल देंगे हमारा मैरिनेटेड चिकन। चिकन को हमें अच्छे से कुक करना है जब तक कि चिकन सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से पक जाए। चिकन को हम ढककर पकाएंगे और लिड लगा देंगे। ये हमें तब तक पकाना है जब तक इसका पानी ना सूख जाए। अब हम लिड हटाकर इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारा चिकन का पानी सूख चुका है और ये अभी परफेक्टली कुक्ड हो गया है। अब हम ऐड करेंगे वेजीज जो हमने पहले से पका कर रखा था साइड पे, वो हम ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। अब हम ऐड करेंगे इसमें चॉप्ड प्याज और चॉप कैबेज जो मैंने पहले उस टाइम बचा कर रख लिया था। ये हम ऐड कर लेंगे इससे शावरमा का मिक्स में क्रंची टेस्ट आता है। ये हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बस मिक्स करने तक पकाएंगे और फिर ये हमारा मिक्स तैयार है। ये हमारा डो है जो हमने गूंद कर रखा था। अब हम मीडियम साइज़ का डो बॉल बना लेंगे और सूखा मैदा लेके हम इसे बेल लेंगे। बिल्कुल नान की तरह बेलना है, न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला। ये अब तैयार है सेकने के लिए। अब हम इसे एक गरम तवा में सेक लेंगे। इसमें छोटा छोटा बबल्स आ रहा है, इससे हमें पता चलता है ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी होगा, बिल्कुल नान की तरह। हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। ये हमारा पीटा ब्रेड सेक कर तैयार है। अब हम एक प्लेट में चिकन मिक्स को ट्रांसफ़र करेंगे और एक बड़ा नाइफ़, या ये मेरे पास बुचर नाइफ था, इसके हेल्प से हम चिकन मिक्स को चॉप कर लेंगे, क्योंकि शावरमा का जो मिक्स होता है वो यूजुअली चॉप करके हम मिक्स करते हैं। ये हमारा चिकन मिक्स अच्छा से चॉप हो रहा है, ज़्यादा फाइन नहीं करना है। अब हम ऐड करेंगे मेयोनीज़, इससे क्रीमी टेस्ट आएगा चिकन मिक्स में। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा मेयोनीज ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्स अब तैयार है। अब हम एक पेपर लेंगे और उसमें प्लेस करेंगे हमारा पीटा ब्रेड और स्प्रेड करेंगे मेयोनीज और रेड चिली सॉस। अब इसमें हम प्लेस करेंगे ऑनियन स्लाइसेस और फ्रेंच फ्राइज जो मैंने पहले से बना कर रखा था। अब हम इसमें प्लेस करेंगे चिकन मिक्स और चॉप क्यूकम्बर यानी कि खीरा। हल्का सा टेस्ट के लिए हम स्प्रिंकल करेंगे मसाला मिक्स। सॉल्ट और चाट मसाला। अब हम इसे अच्छे से
फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल रोल की तरह। ये हमारा शावरमा रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आप चाहो तो मेयोनीज ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं और हल्का सा चॉप्ड धनिया। ये हमारा शावरमा तैयार है, इसे सर्व करें मेयोनीज और रेड चिली सॉस के साथ। If you like the recipe and my video, please like the video, share with your friends and family, and subscribe to my channel. And thanks for watching my video. I will be back with a new recipe soon. Allah Hafiz.